ओके दोस्तों, Realme 8 एंड 9 के बीच फुल कैमरा सेटिंग्स को हम एक्सप्लोर करके देखने वाले हैं। Realme 9 के अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं, एंड सिंपल क्वेश्चन, अभी आपको Realme 8 लेना चाहिए या नया हैंडसेट Realme 9 की तरफ जाना चाहिए, फुल डिटेल्ड कंपैरिजन होने वाला है। लेट्स बिगिन। ये वीडियो दोनों के फ्रंट कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फुल एच डी 30 fps पे फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी लाइट को मैं फेस करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अभी लाइट के अपोजिट साइड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आप देख लो। फ्रंट कैमरे से व्लॉगिंग वगैरह या कुछ भी आप करते तो कैसा हमें वीडियो देखने को मिलता है। अल्ट्रावाइड की बात करूँ तो ये पे बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है हमें Realme 8 के अंदर। 8 के अंदर हमें अल्ट्रावाइड का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे इतना बड़ा पिक्चर आप खींच सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा सिनेमेटिक लुक होता है एंड पर्सपेक्टिव भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन करता है। एंड सेमी सिचुएशन के अंदर ये हमने खींचा है तो देख लो भाई कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है अल्ट्रावाइड से खींचने के बाद, कितना बढ़िया ये पिक्चर लग रहा है। मैक्सिमम वीडियो की बात करूँ तो फुल एच डी 60 fps पे अगर आप रिकॉर्ड करते तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। सिचुएशन दोनों के अंदर आप देख लो, फुल सन लाइट के अंदर हम शूट कर रहे हैं। मैं दोनों के अंदर ही ऑडियो ये पे शिफ्ट करता रहूंगा तो किसका ऑडियो बेटर है, किसका माइक क्वालिटी साउंड क्वालिटी बेटर है, वो भी यहाँ पे आप अंदाजा लगा लो। अभी दोनों के अंदर फुल सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊँ तो Realme 8 के अंदर अल्ट्रावाइड सपोर्ट करता है। नेक्स्ट ये पे नाइट, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट 48 MP एंड 64 MP एंड सबसे लास्ट मोड के अंदर मिलता है, इतने सारे ऑप्शन Realme 8 के अंदर। नेक्स्ट ये फोटो पोर्ट्रेट मोड का यूज करके लिया गया है, जहाँ पे ब्लर इंटेंसिटी आप देख सकते हैं स्लाइटली बेटर लग रहा है 9 के अंदर। थोड़ा सा जूम करके क्लियरिटी मैं देखूँ तो दोनों के अंदर ही उतना बढ़िया क्लियरिटी मुझे नजर में नहीं आ रहा है। 8 के अंदर कुछ जगह पे एज डिटेक्शन नहीं कर पाया, लाइक इस जगह पे आप देख लो बिल्कुल ही एज को ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, इस जगह पे फोकस कर दिया है, बट 9 के अंदर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ये और एक पिक्चर है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमें गलती देखने को मिल रहा है Realme 8 के अंदर। पीछे का पत्ते आप देख लो कम्प्लीटली फोकस के अंदर ले रखा है, बिल्कुल इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट है एंड किसको फोकस में रखना है किसको नहीं, बट 9 के अंदर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर पिक्चर के अंदर एक अच्छा सा ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्लर डिटेक्शन में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आया है। नेक्स्ट शिव जी को भी हमने पोर्ट्रेट मोड से लिया एंड यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा मिस्टेक कर दिया Realme 8 ने, तो ये पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो ये पे आपको देखने को मिलेगा कितना ज्यादा मिस्टेक किया है Realme 8। नेक्स्ट इस फोटो को आप देख लो, जहाँ पे पीछे का येलो कलर एंड ओवरऑल फोटो के अंदर फेस के ऊपर जो ग्लॉसीनेस मिल रहा है और Realme 9 बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया एंड फेस के ब्यूटिफिकेशन को भी मेंटेन किया। नेक्स्ट इस फोटो को भी आप देख लो, जहाँ पे ब्लर डिटेक्शन में बहुत ही ज्यादा गलती कर दिया है Realme 8, बट 9 के अंदर उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना करना चाहिए, इंटेंसिटी वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से AI के माध्यम से मेंटेन किया। एंड बैक कैमरा का सबसे लास्ट ये फोटो आप देख लो, जहाँ पे आसमान जमीन का डिफरेंस हमें अब देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सोशल मीडिया रेडी एक पिक्चर जो प्रोवाइड कर रहा है Realme 9, बहुत ही बढ़िया एक एक्सलेंट पिक्चर आप इसको बोल सकते हैं, मुझे ओवरऑल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। नॉर्मल बैक कैमरा का फोटो आप देख लो, जहाँ पे HDR के सिचुएशन के हिसाब से हमने ये खींचा है, दोनों का ही डायनामिक रेंज बहुत ही बढ़िया है, बट पत्ते के अंदर स्लाइटली एक्सपोजर हमें ज्यादा मिल रहा है Realme 9 के अंदर, और हर एक सिचुएशन के अंदर सैचुरेशन को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज एंड क्लियरिटी को भी इंक्रीज किया गया है। एंड थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो सैचुरेशन एंड क्लियरिटी दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा पास से आप देख लो। नेक्स्ट ग्रीन कलर अगर आप कैप्चर करते हैं तो सैचुरेशन स्लाइटली हमें ज्यादा मिल रहा है Realme 9 के अंदर। नेक्स्ट ये फूल का पिक्चर हमने लिया है, जहाँ पे दोनों का ही पिक्चर बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। मैक्सिमम जूम करने के बाद रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सही एंड क्लियरिटी भी बहुत ही अच्छा खासा हमें मेंटेन देखने को मिल रहा है, तो दोनों के अंदर आसमान जमीन का डिफरेंस नहीं है, बट फूल के अंदर जो येलो कलर हमें मिल रहा है वो Realme 9 के अंदर स्लाइटली बेटर एंड ब्राइट लग रहा है। नेक्स्ट इस फोटो के अंदर क्लाउड का पिक्चर आप देख लो कैसे कैप्चर किया एंड पीछे का जो ग्रीन कलर वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीका कैप्चर हुआ है, तो दोनों के अंदर ही मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही कैप्चर है, बट सैचुरेशन स्लाइटली ज्यादा मिल रहा है Realme 9 के अंदर। नेक्स्ट इस फोटो को आप देख लो, यहाँ पे हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्लियरिटी एंड लाइट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। नो डाउट Realme 9 के अंदर शार्पनेस, क्लियरिटी, ब्राइटनेस एंड अच्छा खासा ग्लॉसीनेस मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है Realme 9 का फोटो। अगला ये भी एक नॉर्मल फोटो मोड से लिया गया, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो उतना भी डिफरेंस हमें दोनों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, तो Realme 9 के अंदर जो एक्चुअल डिफरेंस है ब्राइटनेस, क्लियरिटी एंड शार्पनेस स्लाइटली हमें
बिटर मिलता है 9 के अंदर। इस फोटो के अंदर स्काई को आप देख लो, बहुत ही ज्यादा डल एंड क्लाउडी वेदर लग रहा है Realme 8 के अंदर। वहीं पे 9 को देख के लग रहा है सनलाइट बहुत ही अच्छा खासा पड़ रहा है। ये और एक फोटो आप देख लो जहाँ पे ग्लॉसिनेस एंड शार्पनेस उसके साथ सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को भी बेटर तरीके से मेंटेन कर रहा है 9। सेम ही सिचुएशन में सामने से लिया गया है एंड इसको भी जूम करके दिखाओ तो कितना ज्यादा जूम हो सकता है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा सही बट स्लाइटली ज्यादा जूम होता है Realme 8। उसके बाद हमने खींचा था ये गणेश जी का फोटो, इसके साइड में ही था, शायद ये रेडी नहीं हुआ, ये पॉलीथिन से ढका हुआ है। तो ऑरेंज कलर बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है Realme 9 के अंदर, बट 8 के अंदर थोड़ा सा डल लग रहा है, थोड़ा सा रॉ कलर की तरफ ये कैप्चर किया है। बट 9 का सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बिल्कुल ओवर सैचुरेट नहीं कर रहा है, एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड सैचुरेशन पॉइंट ये पे मेंटेन कर रहा है। एंड दोनों के साइज एंड रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, जहाँ पे 4.9 MB है Realme 8 के अंदर एंड Realme 9 के अंदर हुआ है 3.3 MB। अब सेल्फी की बात करूँ तो ये फोटो आप देख लो जहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को हमने ऑन नहीं किया, नॉर्मली एक सेल्फी कैप्चर किया है, जहाँ पे Realme 8 थोड़ा सा अनप्रोफेशनल पोर्ट्रे कर रहा है क्योंकि पीछे का ग्रीन कलर आप देख लो कितना ज्यादा ओवर सैचुरेट एंड वाइब्रेंस को इंक्रीज कर दिया है। फेस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टी शर्ट का कलर बहुत ही ज्यादा डल कर दिया और ये ओरिजिनल कलर नहीं है। वही पे Realme 9 का पीछे ग्रीन कलर बहुत ही सही है, टी शर्ट के कलर के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है एंड फेस के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इस सेल्फी को आप देख लो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेस के ऊपर व्हाइट टोन मिल रहा है 9 के अंदर, बट 8 एक अच्छा खासा प्रोफेशनल टोन मेंटेन किया। तो अगर आप इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको Realme 9 की तरफ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा तरह एक सोशल मीडिया रेडी फोटो कैप्चर कर रहा है। ब्यूटिफिकेशन इतना है कि बिल्कुल आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये एक HDR सिचुएशन सेल्फी है और इस सिचुएशन पे दोनों का ही पिक्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी भाई दोनों के अंदर रेजोल्यूशन ऑन करके ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देख सकते हैं कितना ज्यादा स्मूथ वीडियो हमें देखने को मिल रहा है। बट जो मेन डिफरेंस आपको मिलेगा Realme 9 के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिया यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, किसी फोन के अंदर रेजोल्यूशन अगर आप ऑन कर देते तो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, उतना बड़ा एरिया कैप्चर नहीं कर पाता है, बट ये पे आप देख सकते हैं 8 की तुलना में 9 बहुत ही ज्यादा एरिया कैप्चर कर रहा है। नेक्स्ट मैक्रो की बात करूं तो ये दोनों ही फोटो हमने सुपर मैक्रो मोड का यूज करके खींचा है। 8 का क्वालिटी मुझे स्लाइटली बुरा लग रहा है, नॉइज़ी एंड गेन पिक्चर के अंदर आ रहा है, बट 9 ये स्लाइटली स्मूथ करने की कोशिश किया, नॉइज तो बिल्कुल इसके अंदर नहीं है बट क्लियरिटी भी ज्यादा नहीं है, स्मूथ करने की कोशिश किया यहाँ पे। नेक्स्ट ये और एक हमने मैक्रो मोड से लिया है, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ तो कलर के अंदर भी हमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल जो कलर है वो Realme 9 के अंदर शो कर रहा है, क्लियरली यहाँ पे 9 के मैक्रो मोड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम किया है जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है एंड बिल्कुल ही नॉइज बगड़ा नहीं है।